हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैं नर्सरी से एरेका पाम लेके आया था। ये करीब 4 या 5 में लेके आया था। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जब हम ये एरेका पाम लेके आते हैं और ये छोटे रहते हैं तो इसमें करीब ये 10 से 12 प्लांट ये लगे हुए हैं। तो इनको हम इनिशियल स्टेज पे ही ये कुछ इस तरह से निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाद वाली स्टेज में क्या होता है कि उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ये देखिए ये इंडिविजुअल करीब ये करेंगे तो करीब 10 से 12 प्लांट हमको मिल जाएंगे और ये आपस में कनेक्ट भी नहीं है। ये देखिए ये बड़े आसानी से निकल रहे हैं, ये कुछ ये इस तरह से। ये कुछ ये मैंने ये जो अलग किए हैं करीब 10 से 12 प्लांट पहले ये निकले हुए हैं, इनको अलग करके फिर ये पॉट में मैं लगाऊंगा। ये प्लास्टिक का पॉट है, इसमें ये होल्स मैंने काफ़ी बड़े किए हुए हैं ताकि पानी वगैरह आसानी से निकल जाए। एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके नीचे जो आप डालेंगे तो ये जो ईंट के टुकड़े रहते हैं, ईंट के टुकड़े आप डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, पानी का ड्रेनेज भी अच्छा होगा और अगर पानी की कमी भी रहती है तो ये जो ईंट जो रहते हैं ये पानी को सोख के रखता है और धीरे धीरे मॉइस्चर रिलीज़ करता है। तो कभी गर्मियों के समय में अगर पानी की कमी रहती है तो ये मॉइस्चर भी रिलीज़ करने का काम करेगा। तो इस तरह से इसको नीचे डाल देते हैं। फिर मैंने ये ऑलरेडी ये देखिए मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें बर्मी कंपोस्ट है और थोड़ा सा ये रेत वाली मिट्टी है और ब्लैक सॉइल है। तो इस तरह से ये जो मैंने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है तो ये ड्रेनेज को देखते हुए काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया हुआ कि पानी आसानी से निकल जाए। तो ये सबसे पहले इसको नीचे की तरफ ये भर लेते हैं, ये नीचे की तरफ इसको कर लेते हैं। फिर हमने ये जो पाम के जो प्लांट लगाए हुए थे तो इसको ये चारों तरफ इस तरह से रख देते, करीब ये 10 से 12 प्लांट ये मिले हुए हैं। ये आप ज़रूर करिए, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो अर्ली स्टेज में ही आप कर दीजिए, लास्ट में आप करेंगे तो उतना सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। मैंने भी एक दो बार ट्राई किया हुआ था तो उसमें उतनी ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं मुझे। वो ये इस तरह से ये चारों तरफ मैंने ये लगा दिए हैं इसके और अब मैं इसमें मिट्टी भर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये गमले के चारों तरफ ये फैला के मैंने ये लगा दिए हैं। ये ग्रोथ करेंगे तो काफ़ी अच्छे होंगे। एरेका पाम आपने देखा होगा तो नीचे से काफ़ी मोटा हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह ये देखिए गमला ये काफ़ी ये भर चुका है, इसको टैप कर लेंगे ताकि जड़ वगैरह इसकी अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसमें वाटरिंग बहुत ज़रूरी है तो इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग हल्की ही करनी है क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो मॉइस्चर काफ़ी रहता है, तो हल्की वाटरिंग कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।